कहीं जेसीबी से अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा था तो कहीं नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा अतिक्रमण को अपने हाथों से हटाकर उनका सामान जब्त किया जा रहा था। वहीं सड़कों पर खड़े वाहनों की हवा भी निकाली गई। इस दौरान कई दुकानदारों और प्रशासन के बीच बहस भी देखी गई तो कुछ दुकानदारों द्वारा खुद सामान हटाने की बात कहते नजर आए। ये नजारा था हाट रोड का। जहां आज जिला प्रशासन, नगर पालिका एवं पुलिस महकमे की संयुक्त टीम ने शहर के हाट रोड पर अतिक्रमण मुहिम के तहत कार्रवाई की। इस दौरान हाट रोड पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम द्वारा लोगों को दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मशीन से हटवाया गया। वहीं लोगों को हिदायत भी दी गई कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाएं, वरना प्रशासन उसे तोड़वा देगा। वहीं हाट ठेलों वालों को वहां से हटाया गया तथा कुछ दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। वहीं चालानी कार्रवाई भी की गई। एडीएम ने बताया कि लोग अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैम बताएं आज कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की? हाट रोड है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण लोग किए बैठे हैं, ठेले वाले भी कर लेते हैं, लोग अपनी अननेसेसरी व्हीकल भी पार्क कर देते हैं डिवाइडर साइड में, और ठेले वाले भी ठेले लगा लेते हैं, लोग भी अपना सामान बाहर रख लेते हैं। तो आज उसी मुहिम के तहत लोगों को समझाइश भी दी गई है, कुछ लोगों का हटाया भी है, कुछ लोगों का जब्त भी किया गया है। ये कार्रवाई निरंतर चलेगी या फिर कुछ चालानी कार्रवाई की गई है? चालानी कार्रवाई भी की गई है। कुछ दुकानों के आगे गोले भी नहीं बने हुए थे, कुछ दुकानों को पहले भी कई बार समझाइश दी गई थी, उसके बाद भी उनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो ऐसे लोगों पर चलाना। आलम ये है कि आप यहाँ से निकले और दोबारा अतिक्रमण, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लगातार जारी रहेगी। अभी भी निरंतर हमारी जो टीम है अनाउंसमेंट वाली वो लगी रहेगी, शाम को एक बार और विजिट करेंगी, अभी यहाँ पर सफाई भी अच्छे से करवा देंगे। वहीं डिवाइडर के दोनों ओर हाट ठेला दुकान लगा खड़े हो जाते हैं जिससे मार्ग सकड़ा हो जाता है। इसी को देखते हुए आज प्रशासन एवं नगर पालिका की टीम ने ये कार्रवाई की। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर भी दुकानदारों को हिदायत दी गई, वे अपनी दुकान के आगे गोला बना कर रखें। वहीं मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग भी अवश्य करें।